वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप लोग यूपीआरटीयू बीएड के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आंसर की नहीं आएगी, क्या मतलब फाइनल आंसर की या कुछ भी इस तरीके कुछ आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, एक मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि आप अगर मान लीजिए आपको कहीं और सेंटर मिला, बात को समझना मेरी, जैसे जो 10 सेंटर हैं उसमें से सपोज दैट आप इलाहाबाद में, पॉइंट को समझते जाना, एक पॉइंट बहुत अच्छा पता चला मुझे अभी जब मैं एग्जाम दे रहा था तभी, कि अगर मान लीजिए आप लोग प्रयागराज सेंटर के हैं, अब मान लीजिए आपको एग्जाम इस बार, पिछली बार आपने प्रयागराज में दिए सेकंड सेमेस्टर, और आपने सोचा कि मेरे लिए नजदीक, या किसी कारणवश बात को समझ, आपको एग्जाम देने का मन कर रहा है कि मैं कानपुर दे लूं, है ना, या मेरा मन करे लखनऊ दे लूं, है ना, तो वो किस तरीके से होगा। तो इस बार मुझे पता चली कि ट्रांसफर प्रक्रिया क्या है। इस बार मेरे सेंटर पर कई सारे बच्चे ट्रांसफर करा के आए, तो मैंने पता किया कि ये मैटर है क्या आखिर। तो समझते हैं उन सब बातों पे। पहली बात, जितने भी लोग ये वीडियो देखें टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लो, आपके लिए ही बेस्ट रहने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम, कोई करंट अफेयर्स आती टेलीग्राम, क्विज सब कुछ वहीं पर होता है, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई पर्सनल अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें आप यहाँ कमेंट करेंगे, हो सकता है मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर करेंगे तो पर्सनल चैट या वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। पहली बात, सीधे रिजल्ट आएगा या आंसर क्या है कुछ, तो देखो सीधे रिजल्ट इनका आता है, ठीक है, सीधे रिजल्ट आएगा, कोई ना आंसर की आने वाली ना कुछ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ प्री भी तो आंसर की इस बार कुछ नहीं, ये लोग देते सीधे रिजल्ट ऑफ राइट, ये जो बीच का समय ये बर्बाद नहीं करते। इसलिए जो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट किस तारीख को आएगा, किस डेट को आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये लास्ट वीक या स्टार्टिंग फोर्थ वीक, काम बहुत तेज। कुछ बच्चे नहीं है यार, 6,500 ही तो हो तुम लोग, 6,500 भी बच्चे हैं, 2 दिन में बन के तैयार हो जाए रिजल्ट, है ना। तो काम चल रहा, अभी 15 अगस्त में पूरी संस्था बिजी थी, थोड़ा सा वहां पर जो है अमृत महोत्सव ये, अब छुट्टी लगी हुई है 19 तारीख की, है ना, अभी 18 की थी अब 19 ही कर दी, तो इन प्रक्रिया में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी बिजी है, लेकिन फिर भी आपका जो है थर्ड लास्ट, या आप ये मानकर चलें 20 से 25 के बीच, 20 से 25 के बीच आपका 101% रिजल्ट विद रैंक आएगा, ठीक है। रिजल्ट और रैंक सब कुछ साथ में आता है, प्लेलिस्ट में बहुत वीडियो पड़े हैं, वहां पर जाकर देख लीजिए। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो 2 सेंटर अभी तक अप्रूव नहीं थे वो क्या हुए, अभी नहीं उन पर कोई चर्चा है, अंदर से निकलकर वो खबर नहीं आ पा रही है। तो जैसे ही देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी, इस बात को भी आप लोग समझ लें, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उससे पहले वो 2 सेंटर घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लें, इस पर कोई डाउट ना रखें अपने मन में, ठीक। और अगर हम बात करें काउंसलिंग के टाइम, जो आपकी डीवी होती है, काउंसलिंग के दिन ही सब कुछ होता है और काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन वहां पर ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करते हैं, तो कम समय में, आप मान लीजिए 5 से 6 घंटे में पूरी प्रक्रिया आप करो, कि आपको चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग क्या होती है वो भी मैं समझा दूं, आप ये सेंटर भरोगे 10, ठीक है, और उसके बाद आपको वहीं पर कॉलेज भी मिल जाता है, वहीं आपको बुक मिल जाती है, आपको प्रैक्टिकल फाइल, एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक। तो आपकी उसी दिन जाएंगे तो आपको टोकन मिलेगा, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट्स लगा लोगों के, एक फाइल दो फाइल तैयार करनी पड़ती है, ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद आपकी फिर आप नीचे जाओगे, नीचे आपकर 5 से 6 मतलब टीचर बैठे होंगे, ठीक है, प्रोफेसर, वो आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे अर्थात डीवी करेंगे, और वो वहां पर चेक करेंगे। डीवी में आप पास होने के बाद उसी टाइम आपका चॉइस फिलिंग ले ली जाती, तो वो फाइल, एक फाइल अंदर जाती चॉइस फिलिंग के लिए, तो वहां पर वो तुरंत लॉक करके भेज देते हैं, बात को समझ रहे हो, तो उसके तुरंत बाद वो प्रिंट निकाल कर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से आपको दे देते हैं, उसके बाद वो आप लेकर दूसरे भवन पर जाएंगे, पुस्तकालय भवन पर, जहां आपको पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाए, क्योंकि आपका फीस जमा हो चुकी थी 16,000 सॉरी इस बार 18,500, तो 18,500 का जो आप या कैश या ड्राफ्ट जो भी लगाएंगे उस प्रक्रिया में होगा, ठीक है, तो आपको वहां पर बुक मिल जाएगी, वहीं आपको फाइल भी
मिल जाएंगी, दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद जब डीवी होती है तो जो कागज होते हैं आपके ओरिजिनल कागज जरूरी हैं, वो ही लेकर आपको जाना है, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाते, कोई जमा नहीं कराए जाते, इस बात को फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई जमा जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, तुरंत ही आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। समझ गए इतनी बात है, इसमें बहुत सारे निचोड़ मैंने हर कुछ बता दिया, ठीक। अब अगर हम अगली बात करें आपसे, यहाँ पर देखिएगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ प्रक्रिया जो मुझे पता चली ट्रांसफर पद्धति, अब ये ट्रांसफर पद्धति क्या थी कि बच्चे जो है होता क्या है, मान लीजिए किसी को कॉलेज कहीं दूर मिल गया है ना, तो उन्होंने कॉलेज तो ले लिया, अब एग्जाम होते हैं जैसे 3 दिन, पहले सेमेस्टर में मेरे 3 दिन हुए, अब की बार 4 दिन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। किसी सेमेस्टर में 3 है, किसी में 4 है, तो इस तरीके से रहता है ना, तो इस तरीके से दोस्तों रहता, तो 3 या 4 का मैटर है ना, तो 4 एग्जाम है, तो 4 एग्जाम ट्रेवलिंग करना 3 घंटे के पर पूरा दिन दोस्तों चला जाता। मैं तो इतने पास रहता हूँ, मेरे यहाँ से कॉलेज आई थिंक 6 से 7 किलोमीटर है बस, इससे ज्यादा नहीं, तब भी मुझे समझ लो थकावट हो जाती, 3 घंटे लिखना, फिर 1 घंटे पहले वहां पहुंचना, फिर निकलना, थोड़ा सा ना तो वो टाइम लग जाता है। तो एग्जाम मान लीजिए आपने सेंटर प्रयागराज ले लिया, हाँ भाई कानपुर के, तो प्रयागराज में जाना तो ज्यादा पड़ता नहीं है, वहां पर कॉलेज में भाई अपना ले आए चले गए, सब प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन अब एग्जाम मेन है ना, एग्जाम देना जरूरी है, तो एग्जाम में बच्चों ने करा लिया ट्रांसफर, तो इस बार कम से कम 7 से 8 केस ऐसे थे जिन्होंने अपना ट्रांसफर कराया था। इस बात को मैं समझा दूं, तो मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि आपने ट्रांसफर किस तरीके से कराई, ये क्या मैटर है, या मैंने सोचा कि ट्रांसफर क्या इस तरीके से भी हो जाता, मान लीजिए 55 सीट है तो कोई बच्चा म्यूचुअल ट्रांसफर जिसको बोलते, मान लो इधर से हम अब उधर जाना चाहे तो इस तरीके का, तो मैंने उनसे पता कि ये प्रक्रिया क्या, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही आपके मान लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह आ गए, ठीक है, फिर डेट आ जाती है, तो उसके बाद आप क्या करें, यूनिवर्सिटी चले जाए, यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा, यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर है जो एग्जाम इसको कंट्रोल करते हैं, वहां पर जाकर एक शुल्क लगता है 800 रुपए, बात को समझ लो बहुत अच्छे से, 800 रुपए का दोस्तों शुल्क लगेगा। शुल्क लगने के बाद वो वहां से फिर आपको ट्रांसफर करेंगे और वो एडमिट कार्ड वहां से जनरेट होगा, ट्रांसफर की जो लिस्ट होगी जो हमारा एचडी कॉलेज है जैसे कि, तो वहां पर भेजिएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट समझ पाए, तो अब वो बच्चे आराम से यहाँ पर पेपर दे रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, उम्मीद। और यहीं पर आप उनकी सब मतलब जो हस्ताक्षर वगैरह होते हैं है ना, जो डेली के रूटीन होता है जो एग्जाम में हर एक में, ठीक है, वो सब अब यही होता है, तो अर्थात वो अब वहां ना होकर यहाँ एग्जाम दे लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही एग्जाम देंगे, और उनके जो प्रैक्टिकल होंगे वो वही होंगे, प्रैक्टिकल यहाँ नहीं होगा दोस्तों, बात समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की तरफ से सुविधा उन बच्चों को प्रोवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सब कुछ बता चुका, थोड़ा सा धैर्य रखें जैसे रिजल्ट आते हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर आप, और देखो एक चीज मैं बता दूं, यूपी आरटीओ बीएड के बारे में सबसे सटीक, सबसे सही सब कुछ मेरे अलावा कोई और चैनल नहीं बताने वाला, ये आप समझ लो। अभी अभी काउंसलिंग बहुत कुछ अभी दोस्तों बाकी है, मतलब तुम्हें मुझसे जब तक तुम बीएड करोगे ना, क्योंकि सीनियर हूँ भाई है ना, एक साल मैं आपसे सीनियर हूँ, सीधी सीधी बात है, मेरा सेकंड सेमेस्टर हो गया अभी, तुम्हारा चालू भी नहीं हुआ है ना, तो आपको मुझसे बहुत सारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एज यू विश, मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा।